फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो आज देखते हैं हम हमारा कल्चर वाला नेक्स्ट पार्ट, पर्सनालिटीज़ के बारे में देखते हैं आज। ठीक है, फर्स्ट है पर्सनालिटी गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक देव जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनकी अभी 550th बर्थ एनिवर्सिटी, द बर्थ एनिवर्सरी ये सेलिब्रेट हुई है। ठीक है, तो आपको पता चाहिए गुरु नानक जी कौन थे, क्या थे। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। ठीक है, तो सिखिज्म कहाँ से चालू हो गया, वहाँ वहाँ उन उन उनसे चालू हो गया, उन्होंने चालू किया। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न ऑन, ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लाहौर में बॉर्न हुए थे वो, नियर लाहौर। ठीक है, तो ये करतारपुर कॉरिडोर बहुत में न्यूज़ में था, तो उसके बारे में जानिए कि गुरु नानक सेटल डाउन एट द टाउनशिप ऑफ करतारपुर। ये कौन से रिवर पे, इस पे तो रावी रिवर है यहाँ पे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, रावी रिवर है। देन ये दो चीज़ें हमें पता चाहिए कि जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा है उसका नाम क्या है, और जो इंडिया में उसका नाम क्या है। ठीक है, जो इंडिया में है वो डेरा बाबा नानक साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, और जो पाकिस्तान में है वो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। ठीक है, फिर रावी रिवर में है, ये तो इम्पोर्टेंट थिंग है ही। देन गुरुद्वारा दरबार साहिब ऑर्डर्ड वॉज ऑर्डर्ड बाय द महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला ने इनको ये किया था, ऑर्डर किया था बिटवीन 1921 टू 1929। ठीक है, तो उनके सक्सेसर कौन थे गुरु नानक देव जी के, उनके सक्सेसर थे गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद थे, भाई लेना उनका नाम था। ठीक है, तो उनको एज अ उन्होंने रीनेम करके गुरु अंगद बोला था। तो जो गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है गुरुमुखी, वो जो है वो उन्होंने ये की थी, न्यू स्क्रिप्ट कंपोज की थी। ठीक है, देन जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो उन्होंने कंपाइल किया था, और कंपोजिशन ऑफ गुरु नानक एंड अदर सिख गुरुज एंड राइटिंग्स ऑफ द अदर फिगर्स लाइक शेख फरीद, संत कबीर, भगत, नामदेव वर कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख। तो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब भी उनका पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ द गुरु नानक लाइफ कम फ्रॉम द जन्म शक्ति, मीन्स बर्थ स्टोरीज है उनको। ठीक है, देन टीचिंग्स देख लेते हैं, उन्होंने क्या क्या बोला था। उन्होंने बोला था गॉड इज फॉर्मलेस, निरंकार है गॉड, ये बोला था, और देर इज ओनली वन गॉड, दैट इज एक ओंकार। देन ठीक है, देन इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी वाली चीज़ें, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में, कहाँ के थे टीपू सुल्तान, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के थे। देन टीपू सुल्तान इज सीन एज अ फियरलेस टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे वहाँ पे उनकी, उस टाइम पे बोला जाता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री उनकी थी। ठीक है, फिर उन्होंने फिर फ्रांस से भी उनके कनेक्शन थे, उन्होंने वो ट्री एक ट्री प्लांट किया था, ट्री ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है ये फिगर। ठीक है, करंट में भी बहुत न्यूज़ में है। टीपू विथ टीपू गॉन वेलेसली इम्पोज अ सब्सिडरी अलायंस। जब टीपू चले गए तब वो युद्ध में मारे गए। ठीक है, तब उनके बाद में वेलेस्ली ने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस लगाया था उनके स्टेट के ऊपर। देन अचीवमेंट्स ऑफ टीपू देख रहे थे, क्या क्या है, ट्रेड में, एग्रीकल्चर में, डिप्लोमेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये ट्री जो बोली थी मैंने वो लिबर्टी ट्री कहाँ पे की थी, श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने ये की थी। ठीक है, देन जैकोब ऑफ मैसूर भी इन्हें बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ही अर्न द ट्रस्ट ऑफ वेरियस इंटरनेशनल अलाइज सच एज फ्रेंच, द अमीर ऑफ अफगानिस्तान एंड सुल्तान ऑफ तुर्क। ठीक है,
एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर था, गेव टैक्स ब्रेक्स फॉर द डेवलपिंग वेस्टलैंड, बिल्ड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिपेयर ओल्ड डैम्स। ठीक है, देन ट्रेड के बारे में, ही बिल्ड अ नेवी टू सपोर्ट ट्रेड एंड कमीशन अ स्टेट कमर्शियल कॉर्पोरेशन टू सेट अप अ फैक्ट्रीज। ठीक है, देन रीजन फॉर हिज इमेज एज टायरेंट। तो देख लेते हैं ये क्यों बोला जाता है। ब्रिटिश अकाउंट्स में क्या क्या बोला जाता है, ब्रिटिश अकाउंट्स में कुछ जेम्स किरका पैट्रिक एंड मार्क्स विल्क्स, इन्होंने इनके अकाउंट्स दिए हैं, तो इन्होंने इनमें कुछ बोला है। ठीक है, इतना ये जानने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, छोड़ दो। देन महाराजा रंजीत सिंह के बारे में जानते हैं। महाराजा रंजीत सिंह, यहाँ पे अभी क्या हुआ रिसेंटली, इनकी 180th बर्थ एनिवर्सरी है, वो लाहौर में पाकिस्तान के यहाँ पे सेलिब्रेट किए। ठीक है, ही वॉज अ सिख लीडर हु रूल पंजाब इन 90th सेंचुरी। 90th सेंचुरी में इन्होंने रूल किया था। देन इनके भी मिलिट्री वगैरह वो सब कुछ बहुत मॉडर्न थी। ठीक है, तो रंजीत बिलोंग टू द सूरेचरिया मिसल्स, ये जो इन्होंने मिसल्स ये किए थे, फॉर्म किए थे, तो उनमें की एक वो एक मिसल्स को बिलोंग करते थे। ठीक है, देन उनके रूल को क्या बोला जाता है, सरका ई खालसा। ठीक है, सरका ई खालसा बोला जाता है, फिर उनको लायन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। देन सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, वो सेक्युलर थे। देन मॉडर्न आर्मी थी इनकी, सिख खालसा आर्मी बोला जाता है। देन वो गोल्डन टेम्पल को जो गोल्ड चलाया चढ़ाया था, ये इन्होंने ही चढ़ाया था। देन हुजूर साहिब गुरुद्वारा जो है नांदेड़ में, उनको भी उन्होंने फंडिंग की थी। देन ही हैड कॉइन्स स्टक इन द नेम ऑफ द सिख गुरुज। ठीक है, देन कोहिनूर डायमंड है, वो अभी कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। वो वॉज वंस अ पार्ट ऑफ रंजीत सिंह ट्रेजर, तो उनको ट्रेजरी में था ऊपर। देन ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या है, इट वॉज साइन बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाँ तब कौन था वॉइस रॉय, लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, इन 1809 विच स्टिपुलेटेड दैट परपेचुअल फ्रेंडशिप सबसिस्ट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑफ लाहौर। तो ये रिवर कौन सी है वहाँ पे, रिवर है सतलुज। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जान लेते हैं उनके बारे में। वो ही वॉज वैंडलाइज ड्यूरिंग द वॉयलेंट क्लैशेस दैट ब्रेक आउट इन कोलकाता। अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही रिसीव्ड अ टाइटल विद्यासागर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, वॉज अ लिजेंडरी एजुकेशनलिस्ट, अ संस्कृत स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर हु क्वेश्चन ऑप्रेसिव सोशल ट्रेडिशंस ऑफ हिंदू सोसाइटी। ये संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते थे। ठीक है, ही वॉज इन्वाइटेड बाय द फोर्ट विलियम कॉलेज टू टीच द बंगाली, यहाँ पे भी थे। ठीक है, बाद में उन्होंने संस्कृत कॉलेज ज्वाइन किया। देन ही केम टू कंक्लूजन दैट मर्जिंग ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर वुड रिमूव द सुपरस्टिशन एंड प्रेजुडिस। तो मर्ज उन्होंने बोला था कि मर्ज करो वेस्टर्न और ईस्टर्न को, तो सुपरस्टिशन वगैरह प्रेजुडिस वगैरह वो चले जाएंगे। देन सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, वो देन विडो मैरिज के बारे में, विडो मैरिज के या री मैरिज के बारे में उन्होंने काम किया है। देन इनको इन्होंने क्या राइटिंग्स किसमें लिखी है, तत्वबोधिनी पत्रिका बोलते हैं इनके राइटिंग्स को। ठीक है, देन प्रसार संहिता, ये क्या है प्रसार संहिता, ही चैलेंज द ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एंड प्रूव दैट विडो री मैरिज इज सैंक्शन बाय द वैदिक स्क्रिप्चर फ्रॉम द परासहारा संहिता द एंशियंट लीगल टेक्स्ट विच फेवर द विडो रिमैरिज। उन्होंने प्रूफ दिया है कि एंशियंट में भी विडो रिमैरिज होते थे। ठीक है, देन इनके वजह से बाद में कोलकाता
कौन सा एक्ट पास हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 वाला, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन टू द बैकवर्ड कास्ट, एडमिशन टू द बैकवर्ड क्लास, तो भगत पुराण वगैरह उन्होंने साइड किया था। नो डायरेक्ट प्रोहिबिशन इन द शास्त्राज अगेंस्ट द शूद्राज, ठीक है, ये उन्होंने उनके प्रूफ दिए थे सब चीज़ों के। देन चाइल्ड मैरिज के बारे में भी उन्होंने काम किया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट उसकी वजह से पास हुआ था 1891 में। ये कमेंट सेक्शन में बोलिए, ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट में कौन सा कितना एज किया था, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। देन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स में क्या है, रिमॉडलिंग द मिडिवल स्कॉलरिस्टिक सिस्टम उन्होंने वो की थी, रिमॉडल की थी। देन वही है, वुमन एजुकेशन के बारे में लिखा है। फिर लिटरेचर है, लिटरेचर उनकी बुक कौन सी थी, बोर्नो पोरिचोए, बोर्नो परिचय, ये बुक उन्होंने लिखी थी, बंगाली थी इसलिए पोरिचोए। ट्रांसलेशन ऑफ द सेवरल संस्कृत बुक्स इनटू द बंगाली इंक्लूडिंग कालिदासा शकंतला, ये शकुंतला जो है, जो कालिदास की है, जो है उन्होंने वो ट्रांसलेट की थी, किसमें, बंगाली में। देन कंट्रीब्यूशन टू द जर्नलिज्म में भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने कौन सी निकाली थी, तत्वबोधिनी पत्रिका, देन सोम प्रकाश, देन हिंदू पैट्रियट, ठीक है। देन ही सेट अप ए नॉर्मल स्कूल फॉर ट्रेनिंग ऑफ द टीचर, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए भी उन्होंने ये स्कूल्स निकाली थी। देन इस्टेब्लिश द संस्कृत प्रेस, इन्होंने संस्कृत के बारे में, संस्कृत के लिए उन्होंने संस्कृत प्रेस भी निकाली थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज से रिलेटेड और संस्कृत उनसे रिलेटेड, ठीक। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये कुछ पर्सनैलिटीज रहेगी हमारे, वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं।